वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। और पिछला व्लॉग डाला था आप लोगों ने, बहुत पसंद किया, काफी प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए। तो बस अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को पूरा और कंप्लीट देखा करें। तो फ्रेंड, जो मैंने पिछले व्लॉग में बहुत सारी चीजें दिखाई थी तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे से आप लोगों ने किया। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ व्लॉग, वो व्लॉग आप लोगों के बहुत ही काम का है, ये जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगी कि कौन सी चीजें ऑनलाइन आपको खरीदना चाहिए और कौन सी नहीं, और कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी कंपनी अच्छी नहीं होती है। तो जो चीजें मैंने यूज किया है वही चीजों के बारे में आपको बताऊंगी कि वो चीजें आप जरूर खरीदें। और सारी चीजें अच्छी नहीं होती, हर कोई मोबाइल अच्छे नहीं होते, हर कोई एसी नहीं अच्छी होती, हर कोई फ्रिज नहीं अच्छा होता। जो बहुत ज्यादा कंपनी अच्छी होती है, बहुत मायने रखती है, वही चीजें आप खरीदें। तो बस इस तरह से जो मैंने हमेशा से आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें शेयर की हैं, तो ये व्लॉग भी उसी के लिए मैं लेके आई हूँ कि आप ये व्लॉग में हमारी अच्छी अच्छी चीजें देखें जो हमने 15 साल तक यूज की है, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं निकाला है। जितनी भी इलेक्ट्रिक की जो चीजें हैं, तो 15 साल, 16 साल, 17 साल चली है हमारी चीजें। तो मैं आपको जरूर एडवाइस दूंगी कि आप किस कंपनी का सामान खरीदें। तो चलिए देखते हैं, आगे व्लॉग में बने रहिए, मैं बताऊंगी कि कौन सी चीजें आप। सबसे महंगा फोन, और सबसे महंगा फोन काफी लोगों को पसंद आता है, और ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी लोग ये मोबाइल यूज करते हैं, और वो लोग काफी पैसे वाले होते हैं तो उन लोगों को चल जाता है। लेकिन गरीब लोग अगर ये मोबाइल खरीदेंगे तो उनको काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टिकाऊ नहीं है। और ये है आईफोन। तो आईफोन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको जब मेरे बेटे ने लिया था तो इसका प्राइस था 30,000 रुपीज, यानी कि 30,000 रुपए का था ये, लेकिन उसको डिस्काउंट में मिला था 25,000 रुपए का। तो 25,000 में इसने 2 साल में ये इतना खास नहीं चल रहा है जितना कि चलना चाहिए। सबसे महंगा है तो सबसे अच्छा चलना चाहिए। इसकी बैटरी भी लो हो जाती है और ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और उसने लिया था, उसे बहुत पसंद था तो दिला दिया गया था। लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मोबाइल भूल से भी ना ले, बिल्कुल भी ना ले। ये मोबाइल आपको लेना है, मैं आगे बताऊंगी आपको कौन सा मोबाइल लेना है और ज्यादा टिकाऊ कौन सा है, और ज्यादा कौन सी चीजें चलती हैं घर के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन लोग इसके पीछे भागते हैं, सिर्फ ये महंगा फोन है, लेकिन इसमें फंक्शन या क्वालिटी कोई इतनी इसकी खास नहीं है, सिर्फ नाम के ऊपर ये मोबाइल बिक रहा है। तो अगर आप मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वाला बिल्कुल भी ना लें। और जो मैं आगे बताऊंगी, ब्लॉग में बने रहिए, आगे मैं और भी फोन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये आईफोन बिल्कुल भी नहीं, महंगा भी है, ज्यादा टिकाऊ नहीं, बैटरी लो हो जाती है, इतना अच्छा नहीं चलता है, और इसकी आवाज भी कम हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, सामने से भी दिखा रही हूँ आपको और साइड से भी दिखा रही हूँ। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मैं मोबाइल आपके साथ। ये कौन सा फोन है? ये है Realme 5, और ये जब मेरे बेटे ने लिया था 1.5 साल पहले ही लिया है। और ये मैं आपको जरूर कहूंगी लीजिए, ये अच्छा फोन है और इसकी बैटरी बिल्कुल भी नहीं उतरती है, और बहुत ही अच्छा फोन है ये, और इसकी जो है बैटरी भी नहीं उतरती है, और काफी इसकी क्लियरिटी बहुत ही साफ है। उसकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत अच्छा आता है, बहुत साफ सुथरा आता है। तो मैं ये कहूंगी ये भी आप ले सकते हैं। और इसका प्राइस जब हमने लिया था 12,000 का था,
तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और चमकदार है। और ये देखिए इस तरह से है और बहुत ही अच्छा है ये मोबाइल, ये मैं जरूर कहूंगी लीजिए। लेकिन आगे और भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे जो है इससे भी अच्छा मेरे पास मोबाइल है, तो वीडियो में बने रहिए, तो आगे देखते रहिए। चलिए आगे वाला मोबाइल देखते हैं। ये हमारा मोबाइल है ओप्पो का, देख सकते हैं आप। तो ये मोबाइल हमने 2 साल पहले इसको भी खरीदा था, लेकिन ये काफी अच्छा चल रहा है और काफी सारा जो है इसमें अच्छे फंक्शन है और अच्छा चलता है और अच्छे से हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। और ये मोबाइल जो है हमने लिया था 10,000 में, लेकिन आज भी इसका प्राइस ज्यादा ही है, कम नहीं हुआ है। और ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ठीक है, ये भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। इसके आगे मैं और भी अच्छे मोबाइल आपको लेकर आने वाली हूँ, कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं बताते रहूंगी कि कौन सा सबसे अच्छा मोबाइल है। तो इसके भी ठीक है, ये भी चल रहा है और ये मेरा 2 साल पुराना है और हम इसे यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये मोबाइल है, तो बस अच्छा चल रहा है और अभी थोड़ा थोड़ा ये हैंग भी होने लगा है। तो अपने थोड़ा जब वक्त ज्यादा हो जाता है, पुराने हो जाते हैं मोबाइल, तो वो अपने जो है रंग दिखाने लगते हैं। तो ये भी अपना रंग दिखा रहा है, तो भी चल रहा है ठीक। लेकिन ये भी मैं आपको नहीं कहूंगी कि ये लीजिए, ये भी मत लीजिए, ये है ओप्पो कंपनी का, ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मोबाइल मैं सामने से आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ चुके थे, तो मुझे अपना सेट हटाना पड़ा। तो ये मोबाइल सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है और ये है सैमसंग A15। तो ये मोबाइल अगर आप लेते हैं तो ये बहुत 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 अच्छा है, काफ़ी टिकाऊ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा इसका फोटो वगैरह आता है और इसका वीडियो बहुत अच्छा बनता है। और ये भी मैं बताऊंगी कि Realme 5 बहुत अच्छा है और इसमें 4 कैमरे हैं और Samsung में 3 कैमरे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है और इसका फ़ोटो वगैरह भी बहुत अच्छा आता है, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और Samsung में भी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप ज़रूर दोनों में से कोई भी एक मोबाइल ले सकते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप Samsung लें, Samsung सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये है Asus का मोबाइल और इसी से मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, जो आप लोग बोलते हो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही क्लीन आती है, तो ये वही मोबाइल है और ये 5वां मोबाइल है हमारा। तो 5 मोबाइल में सबसे बेस्ट है Samsung और ये भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा है, मैंने वीडियो बनाने के लिए ही ये मोबाइल लिया है। और Asus का मोबाइल जो है ये भी महंगा है, जब हमने लिया था तो इसका प्राइस था 18,000, लेकिन ये हमें मिला 13,000 रुपये में। तो इसका लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, और काफ़ी महंगा लैपटॉप इसका आता है, तो देख सकते हैं आप। और आप सोच रहे होंगे आपने आईफोन के बारे में बहुत ख़राब बातें बताई हैं, तो ये मोबाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसमें जो है आवाज़ भी स्लो हो जाती है और पिक्चर देखते देखते इसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक हमारी बिल्डिंग में और किसी ने लिया था तो उसका भी ख़राब हो चुका है, इस वजह से मुझे ये मोबाइल बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पर मैं AC दिखा रही हूँ, तो AC LG कंपनी की मैं दिखा रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी ये तो अच्छी AC है ही है, लेकिन अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो Samsung कंपनी की लें। Samsung कंपनी 15-20 साल तक बोलना बिल्कुल नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत टिकाऊ होती है। तो हमने इससे पहले जो फ्रिज लिया था तो हमारा बहुत अच्छा चला था, तो हमने फ्रिज लिया था 2003 में और वो 2019 में हमने उसे बेच दिया था। तो अगर AC लेना चाहते हैं तो Samsung कंपनी की लें, और फ्रिज लेना चाहते हैं वो भी Samsung कंपनी से लें।
सैमसंग कंपनी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत टिकाऊ है और मैंने उसकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पे वर्लपूल की मैं फ्रिज दिखा रही हूँ, लेकिन ये इतनी टिकाऊ नहीं है और इसकी गारंटी है 10 साल कंप्रेसर की। और ये है अच्छा, हमने जब लिया था इसका प्राइस था 28,000 रुपये, लेकिन ये मिला है 22,500 में हमें। तो ये डबल डोर का है, नीचे सब्जियों का रहा है रखने का, बीच में फ्रिज है, ऊपर रेफ्रिजरेटर है, तो बर्फ़ वगैरह आइस वगैरह आप जमा सकते हो। ऊपर डी फ्रीज़र है इसमें। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी ना ले, मैं ये कहूँगी आपसे सैमसंग कंपनी ले। तो देख सकते हैं ये सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन हमारी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, हमने 2006 में लिया था और ये अभी तक चल रही है, बहुत टिकाऊ है। लोगों की चार चार पांच पांच वॉशिंग मशीन हो चुकी हैं, लेकिन मेरी एक ही वॉशिंग मशीन चल रही है, 14 साल पुरानी है ये। तो सैमसंग सबसे बेस्ट, ज़रूर ले, लाइक ज़रूर करना। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ज़रूर आप, और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको नई वीडियो ज़रूर देखने के लिए मिले। तब तक के लिए एक लाइक ज़रूर दे देना। आपको मेरा ये व्लॉग लगा कैसा? व्लॉग पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।